हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के, और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक्सेल शीट पर लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पर इनकी क्वांटिटी की बात की गई। अब ये माजा है, फेंटा है, कोका कोला है, पेप्सी है, स्लाइस है, ये सब जो है कोल्ड ड्रिंक के आइटम है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि एक से अधिक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर हो तो यहाँ पर लीटर्स लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। जैसे एक लीटर का ऑर्डर हुआ तो लीटर आए, लेकिन जब एक से अधिक, जैसे दो लीटर की बात आएगी तो वहां लीटर्स ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा कैसे होगा, तो आज इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां से क्या करना है, कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां से चले जाइएगा कस्टम पर, और ये जो जनरल लिखा हुआ है इसको हटा दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा इस तरीके से, मैंने क्लोज भी कर दिया है। यहाँ पर पहला काम आपको ये करना है कि इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ वन लिखना है, वन, ठीक है, एक रहेगा तो क्या आना चाहिए, तो लीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे हैश लगा करके और यहाँ पे डबल क्वोट्स कोर्स में लिखेंगे लीटर, एल आई टी आर ई, ये लिख दिया लीटर। और अगर 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 एक से ज्यादा रहे तो लीटर्स आना चाहिए, तो इसके लिए हैश लगा करके क्या लिख देंगे, लीटर्स लिख देंगे, एल आई टी आर ई एस, लीटर्स लिख दिया। और अब डबल कोर्स को क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये डबल कोर्स यहाँ पर भी ओपन रहेगा, ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर भी जो लीटर्स लिखा गया है इसके ठीक पहले डबल कोर्स ओपन होगा, फिर यहाँ क्लोज होगा, और क्लोज करने के बाद यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वन लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लीटर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर टू लिख देता हूँ तो देखेंगे लीटर्स आ रहा है, थ्री लिख दूंगा तो भी लीटर्स ही आएगा, ठीक है, और अगर 5 लिख दूंगा तो भी लीटर्स आएगा, ये तो भी लीटर्स यहाँ पे 1 लीटर ही आएगा। तो ये 1 इस तरीके से आप कर सकते हैं, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर प्राइस की बात करें तो यहाँ प्राइस भी देना है, तो पी आर आई सी प्राइस कर दिया, और यहाँ पे इतने हिस्से को हम क्या बना देते हैं, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से नंबर, ये मोर फॉर्मेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा करेंसी, तो करेंसी में कोई एक चूज करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब प्राइस डालेंगे, जैसे एक लीटर की प्राइस कितनी है, 50 रुपीज, दो लीटर की प्राइस कितनी है, 95 रुपए, 95, ठीक है, तीन लीटर की प्राइस कितनी है तो यहाँ कर देते हैं 150, इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। पांच लीटर की प्राइस कितनी है, 250, ये इस तरीके से कर दिया हमने 1 लीटर, फिर यहाँ आ जाएंगे 50, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको टोटल कैलकुलेट करना है, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टी ओ टी एल टोटल, और अगर आप इसको इस तरीके से इज इक्वल टू का निशान लगा करके और दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या यहाँ पर टोटल आएगा, सवाल यही है। यहाँ पर अगर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपको होता हुआ नजर आएगा और आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इसको डबल क्लिक करके इस तरीके से कर लीजिएगा और ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।